हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो हाउ यू ऑल आर डूइंग? आई थिंक एंड आई विश दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, लेट अस गेट स्टार्टेड। Be ready to make your learning easier with Master Teacher Shamim Sir. Hello students, आज हम लोग क्लास 9 में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर ग्राफ जो है ड्रॉ करना सीखेंगे। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और किस तरह से उसको हम लोग उसके कोएफिशिएंट को शो करते हैं, दिखाते हैं। तो स्टूडेंट, अगर पिछला वीडियो आपसे अगर मिस हो गया है तो उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। और स्टूडेंट, आज हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे कि कैसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हाउ कैन वी ड्रॉ अ ग्राफ। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मान लो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, रिमेंबर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, ये वन वेरिएबल का था। तो स्टूडेंट, अगर वन वेरिएबल का हमें दिया हुआ है और उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, जैसे मान लो कि आपका दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू थ्री और इसका कह रहा है ग्राफ ड्रॉ करो, या इसको कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, इसको का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कह रहा है स्टूडेंट। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट जैसे किया जाता है स्टूडेंट, वैसे करके हम लोग बना सकते हैं। दैट मीन अगर हम यहाँ पर एक लाइन ले लें और ये हमारा एक्स एक्सिस है और यहाँ पर आप जीरो ले लें तो जीरो के राइट साइड हमारा पॉजिटिव वैल्यू वन टू थ्री, ये थ्री हो गया। तो यहाँ पर अब परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ कर देते हैं तो ये जो इक्वेशन, ये जो ग्राफ हो गया हमारा, ये ग्राफ किसका हो गया? तो ये स्टूडेंट एक्स इज इक्वल टू थ्री का यही ग्राफ हो गया। स्टूडेंट, एक्स इज इक्वल टू थ्री का ये ग्राफ हो गया बट इन वन वेरिएबल। अगर स्टूडेंट कहे कि ड्रॉ द ग्राफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर टू वेरिएबल पे ये कहता है तो देन व्हाट कैन वी डू? स्टूडेंट, टू वेरिएबल पर जब ये कहेगा तो हम यहाँ पर अब दो वेरिएबल लेंगे। एक वेरिएबल तो हमारा ऑलरेडी गिवन है और दूसरा वेरिएबल जो है वो हम अपनी मर्जी से लेंगे, यानी एक्स और वाई, ये दो वेरिएबल ले लेंगे। और स्टूडेंट, यहाँ पर एक्स का वैल्यू थ्री है तो ये हमेशा सबके लिए एक्स इज इक्वल टू थ्री रहेगा और वाई का वैल्यू इट्स ओन चॉइस, अपनी मर्जी से आप जितना चाहो ले सकते हो। तो मान लो कि हम ले रहे हैं जीरो वन टू, ये हमने ले लिया। आप यहाँ चाहे तो नेगेटिव में भी ले सकते हैं, जो भी वैल्यू वाई को रखना है रख लीजिए आप, क्योंकि वाई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो वाई का जो वैल्यू है ये अपनी मर्जी से हमें लेना है और एक्स का वैल्यू हमारा गिवन है। तो यहाँ टू वेरिएबल हो गया। अब इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा सारा जो है यानी एक्स और वाई दोनों के वैल्यू पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट, वेयर इट इज लाइक, वेयर दीज पॉइंट्स आर लाइक, दीज पॉइंट्स आर लाइक इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो इसलिए हम लोगों को केवल फर्स्ट एक क्वाड्रेंट बनाना है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोग केवल बनाएंगे, क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि जो टेबल है इस टेबल से हमारा केवल एक्स और वाई दोनों का वैल्यू पॉजिटिव है। तो हम लोग यहाँ पर दोनों का वैल्यू, एक्स का वैल्यू वन टू थ्री फोर जो भी हम ले लेंगे, इधर में भी हम ले लेंगे ऊपर में वन टू थ्री फोर, और ये हमारा
ओरिजिन है, इसका वैल्यू जीरो। तो इस तरह से इसके हमने बना लिया। अब इस पॉइंट को, अब इस पॉइंट को, इसके अब इस कोऑर्डिनेट को हम लोग प्लॉट करेंगे इस ग्राफ पेपर पर। तो यहाँ हियर के एक्स इज इक्वल टू थ्री, वाई इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू थ्री, वाई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर हमारा एक्स का वैल्यू थ्री, वाई का वैल्यू जीरो, एक हमारा हो गया। दूसरा स्टूडेंट, एक्स इज इक्वल टू थ्री, वाई इज इक्वल टू वन। अब यहाँ पर थ्री के सीधे जाएंगे और वन के सीधे आएंगे, ये हमारा वैल्यू यहाँ आया, ये हो गया हमारा दूसरा। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा हो गया। इसका कोऑर्डिनेट कितना आया, तो इसका आया थ्री वन। अब स्टूडेंट तीसरा, तीसरा क्या है, एक्स इज इक्वल टू थ्री, वाई इज इक्वल टू टू। तो थ्री के ऊपर गए और टू के सामने आए, अगला पॉइंट कहाँ आ गया स्टूडेंट, यहाँ आ गया। ये क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू थ्री और टू। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये हमारा ओरिजिन था, यानी वाई एक्सिस था, और ये हम लोग का जो वन वेरिएबल पे ड्रॉ किए थे, यानी थ्री पे नंबर लाइन थ्री पे जो है ना हम लोग रिप्रेजेंट किए थे, तो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए थे। उसी तरह से स्टूडेंट यहाँ भी हम देख रहे हैं कि सेम वही चीज मिल रहा है, सेम वही चीज मिल रहा है, लेकिन यहाँ हम दो वैल्यू ले रहे हैं और वहां हम केवल एक वैल्यू लिए थे, यानी वन वेरिएबल पे ये हम लोग बनाए थे और ये हमारा टू वेरिएबल पे है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग, ये हमारा लाइन है, क्योंकि ये हमारा लाइन है, तो ये लाइन है, तो ये दोनों इनको इंडिविजुअली हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि ये तीनों लाइन को केवल ज्वाइन करके छोड़ दिया जाए, ये आप लाइन और बड़ा भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग वन वेरिएबल और टू वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन को लेते हैं, और उसको सबसे पहले उससे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं, और लिखने के बाद तब उससे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हियर इट इज अ क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो। फॉर दिस, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज रुपीज 8, फॉर द सबसिक्वेंट डिस्टेंस इट इज रुपीज 5 पर किलोमीटर। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज रुपीज y, राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। स्टूडेंट क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ये जो इंफॉर्मेशन दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इक्वेशन लिखना है, और इक्वेशन लिखने के बाद तब हमें उसे ग्राफ पर प्लॉट करना है, यानी ग्राफ के थ्रू हमें दिखाना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं, अब हम लोग इसको बनाने के लिए सॉल्यूशन इसका पहले निकालेंगे, और सॉल्यूशन निकालने के लिए सब कुछ हम लोग रेडी कर लेंगे, और तब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा टेबल जो है, जिसको जिससे कि हम कोऑर्डिनेट लेते हैं, वो टेबल हमारा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अगर हमारा टेबल करेक्ट नहीं हुआ तो हमारा ग्राफ भी करेक्ट नहीं होगा। तो स्टूडेंट बी केयरफुल। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग लेते हैं, क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर कितना है स्टूडेंट, टोटल डिस्टेंस कवर है x किलोमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, टोटल फेयर भी दिया हुआ है स्टूडेंट, टोटल फेयर कितना है, रुपीज वाई है, टोटल फेयर कितना है, रुपीज वाई है। और क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, और ये दिया हुआ है सबसिक्वेंट डिस्टेंस इट इज रुपीज 5 पर किलोमीटर। तो चार्ज पर किलोमीटर क्या है, रुपीज 5। और क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, और कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहां कह रहा है क्वेश्चन को जरा सा एक बार फिर से
पढ़ते हैं हम लोग, यानी क्वेश्चन को स्टूडेंट एटलीस्ट कम से कम 2 बार पढ़ना है आपको। यहाँ कह रहा है कि टैक्सी का फेयर जो है वो क्या कह रहा है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 है, यानी पहला अगर 1 किलोमीटर वो जाता है तो केवल ₹8 उसको फेयर देना होगा। उसके बाद सबसिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 और उसके बाद से पर किलोमीटर के लिए उसे ₹5 पे करना होगा। अगर वो 2 किलोमीटर गया तो ₹8 उसका फर्स्ट किलोमीटर के लिए और ₹5 उसका मैंने अगला फर्स्ट यानी 2 किलोमीटर के लिए, उसको टोटल कितना पे करना होगा तो 8 और 5 ₹13 उसको पे करना होगा अगर वो 2 किलोमीटर गया। अगर स्टूडेंट वो 3 किलोमीटर गया तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 और बाकी 2 किलोमीटर के लिए 5 × 2 = 10 और 8 ₹18 उसको पे करना होगा। इज इट क्लियर, ये चीज कह रहा है और इसी को हम लोगों को इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है। तो अब यहाँ पर एक चीज और आ रहा है कि अगर टोटल डिस्टेंस वो x किलोमीटर है तो उसमें पहला फर्स्ट किलोमीटर तो उसका चार्ज अलग है, तो बाकी डिस्टेंस बचा कितना जिस पर उसको ₹5 के हिसाब से चार्ज लगेगा वो हम लोग निकाल लेंगे। दैट मीन्स सबसिक्वेंट डिस्टेंस, चार्ज फॉर सबसिक्वेंट डिस्टेंस, सॉरी सबसे पहले सबसिक्वेंट डिस्टेंस लिख लेते हैं, सबसिक्वेंट डिस्टेंस यानी कितना डिस्टेंस। अगर वो x किलोमीटर गया तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो उसको ₹8 फिक्स है, तो बाकी कितना किलोमीटर वो गया तो बाकी जो आपका जाएगा तो वो x-1 इतना किलोमीटर जो है वो इतना किलोमीटर का उसको चार्ज क्या देना होगा ₹5 के हिसाब से और बाकी 1 किलोमीटर के लिए ₹8 और टोटल उसको कितना पे किया तो y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल फेयर y है और फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 है और बाकी बचा कितना तो सबसिक्वेंट डिस्टेंस, बाकी बचा हमारा डिस्टेंस कितना x-1, तो x-1 के लिए वो उसको कितना पे करना होगा तो ₹5, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दे स्टूडेंट, यही हमारा टोटल फेयर हुआ, फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 और बाकी जो डिस्टेंस बचा उसके लिए ₹5 के हिसाब से। तो अब हमारा इससे हमारा इक्वेशन बनेगा, अब बनाते हैं हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, y = 8 + यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया 5x-5 और क्या हो जाएगा स्टूडेंट तो = 5x हो गया और 8 में से 5 गया कितना बचा +3। तो हमारा जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो बना वो हमारा बना y = 5x + 3 और स्टूडेंट चाहे तो हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी अब हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं कि 5x और y को भी उधर ले जाते हैं तो -y और इधर +3 ऑलरेडी है = 0 इस फॉर्म में आ गया, जो कि पहले हमें कह रहा था कि राइट द गिवन इंफॉर्मेशन इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस इंफॉर्मेशन से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ये हमारा आया x और y, ये टू वेरिएबल आया और ये हमारा इक्वेशन बना। बट स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ के लिए करने के लिए टेबल क्रिएट करने के लिए हम किसी एक वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी हम यहीं पर इसलिए छोड़ दिए क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा सेपरेटेड था, ऑलरेडी हमारा क्या था सेपरेटेड था, तो इसको हम लोग ले लिए, अब इसका ले लिए, अब यहाँ से हम लोग इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे टेबल क्रिएट करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं, तो पहला हम लोग वैल्यू ले लेते हैं इफ x = 1। अब हम लोग x का वैल्यू क्या ले लेते हैं 1, तो यहाँ पर जो है हम लोग निकाल कर देख लेते हैं कि x का वैल्यू 1 लिए तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा तो 5 × x यानी 1 + 3 कितना तो 8। स्टूडेंट वी रिमेम्बर क्या था उसका कंडीशन ही था कि अगर वो 1 किलोमीटर जाता है तो उसके लिए कितना पे करना होगा उसको ₹8 पे करना होगा। तो हम यहाँ टेबल जो है बना लेते हैं और स्टूडेंट टेबल बनाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, तो टेबल बनाने के लिए कम से कम एटलीस्ट हमारा
क्वाडिनेट आपको लेना है स्टूडेंट, बुक में आपके दो ही क्वाडिनेट लेता है, बट इन माय ओपिनियन आप हमेशा 3 क्वाडिनेट लीजिए कम से कम। क्यों स्टूडेंट? इसलिए क्योंकि जब आप 3 पॉइंट लेते हो और उसको जब मैच करते हो, उसको जब ड्रॉ करते हो, तो उससे होकर अगर स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो समझ लो कि वो तीनों पॉइंट आपका करेक्ट है, निकाला हुआ करेक्ट है। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, यानी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं हमारा मिस्टेक है। इसलिए कम से कम आपको 3 पॉइंट लेना चाहिए, कोऑर्डिनेट 3 कोऑर्डिनेट लेना चाहिए। तो पहला हमारा हो गया क्या, यहाँ पर x हो गया और ये y, और y इज इक्वल टू, चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 5x+3 या केवल y लिख दिए। तो x का वैल्यू अगर 1 ली है तो y का वैल्यू क्या आ गया हमारा 8। ये तो ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन में ही कह रहा था। तो अब चलते हैं x का दूसरा वैल्यू लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू, अब 2 ले लेते हैं, तो 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 5 × 2+3, 10+3, 13। दूसरा लिए तो कितना आ गया 13, यानी 2 किलोमीटर के लिए कितना आ गया 13। अब स्टूडेंट 5 किलोमीटर ले लेते हैं हम लोग। अगला ले लेते हैं, इफ x इज इक्वल टू 5, x का वैल्यू 5 ले लेते हैं, तो अब जो है उसके लिए चार्ज क्या पे करना होगा, y इज इक्वल टू 5 × 5+3, 25+3 कितना हो गया 28। कितना पे करना होगा अगर 5 लिए तो 28। ये स्टूडेंट हमारा टेबल बन गया, ये हमारा टेबल बन गया। इस टेबल को क्रिएट करने के लिए आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, तब ये जो है ना, अगर हमारा टेबल क्रिएट हो गया तो अब स्टूडेंट ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं कि कैसे हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, यानी कैसे किसी भी पॉइंट को प्लॉट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम लोग यही सीखे थे कि हाउ कैन वी प्लॉट द गिवन पॉइंट। तो अब स्टूडेंट चलते हैं कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं, तो ये हमारा टेबल रहने देते हैं और बाकी यहाँ से हम लोग हटाते हैं। अब हम लोग टेबल के थ्रू अगर चलते हैं, टेबल के थ्रू, तो हमें ये देखना है कि ये दोनों ही वैल्यू, यानी x और y दोनों के कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है, तो वेयर इट इज लाइ, इट इज लाइ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बोथ द ऑल द कोऑर्डिनेट्स आर लाइ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसलिए हमें केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट ही ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमें एक साइड से इधर से लेफ्ट की तरफ 2 या 3 स्क्वायर छोड़कर, और तब एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, और नीचे भी हमको जरूरत नहीं है तो नीचे से भी 2 या 3 स्क्वायर छोड़कर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये हमारा जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिए हम लोग। अब इस पर जो है आपका ऑलरेडी ग्राफ पेपर पर आपका स्क्वायर बना रहता है, और यहाँ हम लोग एक रफ जो है अपना लेते हैं इक्वल डिस्टेंस पे, यहाँ से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, आगे चलते हैं ये 7 है, ये 8 है, मान लीजिए आप ठीक। तो अब चलते हैं स्टूडेंट कि y पर कितना लेना है 28। तो अगर स्टूडेंट 88 स्क्वायर लेते हैं हम, तो कितना स्क्वायर जाना पड़ेगा हमें 28। तो 28 तो हमारा जो है ग्राफ बड़ा वाला पेपर में भी 28 जो है ना लाइन नहीं आएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके लिए स्केल चूज करेंगे हम लोग। यहाँ पर जो है ना एक्स एक्सिस के लिए अलग स्केल चूज कर सकते हैं हम लोग, वाई एक्सिस के लिए अलग स्केल चूज कर सकते हैं, दोनों के लिए अलग अलग स्केल हम लोग ले सकते हैं, और चाहे तो दोनों के लिए सेम स्केल भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग y के लिए अलग स्केल लेंगे क्योंकि y हमारा कितना है 28। तो अगर हम 22 अगर लेते हैं तब पर भी कितना लाइन ड्रॉ करना होगा, तो 22 अगर लेते हैं तब पर भी हमें 14 स्क्वायर चाहिए, इट इज ऑल्सो टू लॉन्ग। तो अब हम लोग क्या करते हैं 5 5 का ले लेते हैं,
फाइव फाइव का अगर ले लेते हैं इधर में, एक स्क्वायर को फाइव, दूसरे को टेन, तीसरे को फिफ्टीन, चौथे को ट्वेंटी, पांचवे को ट्वेंटी फाइव और छठे को थर्टी, अगर ये हम लोग ले लेते हैं, फाइव फाइव का स्केल ले लेते हैं, तो ये हमारा थर्टी तक चला गया और हम लोग सिक्स में चले गए। तो यहाँ स्टूडेंट जो भी हम लोग स्केल लेते हैं वो स्केल यहाँ हम लोग लिखते हैं स्केल, और दोनों पर अगर सेम है तो केवल हम लोग लिख देते हैं कि वन डिवीजन इज इक्वल टू ए। अगर दोनों एक्सिस पर अलग अलग आपने स्केल लिया है तो दोनों पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, ऑन एक्स एक्सिस वन डिवीजन, वन डिवीजन का मतलब वन सेंटीमीटर हुआ स्टूडेंट, कहीं पर आपका वन सेंटीमीटर लिखा रहता आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वन सेंटीमीटर यानी एक स्क्वायर को वो वन सेंटीमीटर कंसीडर किया है तो वो वन सेंटीमीटर लिखता है, और हम लोग एक डिवीजन उसको लिखते हैं, एक डिवीजन इज इक्वल टू कितना है, वन डिवीजन इज इक्वल टू एक्स एक्सिस पर वन लिए हैं, वन क्या किलोमीटर। स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग एक चीज और शो कर देंगे कि ये हमारा क्या है, एक्स है और ये एक्स किलोमीटर है, ये क्या है हमारा डिस्टेंस है जो कि एक्स किलोमीटर है, और ये क्या है हमारा फेयर है, और ये वाई है और ये कितने क्या है हमारा तो फेयर है। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि फेयर, यहाँ हम लोग फेयर लिख सकते हैं, ये हमारा फेयर है और ये हमारा डिस्टेंस है, तो एक्स ना लेकर डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, ये हमारा डिस्टेंस है और ये हमारा फेयर है। तो डिस्टेंस जो है ना किलोमीटर में हम लोग लिए हैं, इसलिए एक को किलोमीटर लिखा। ऑन वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस पे भी लिखेंगे, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, वन डिवीजन, वन डिवीजन को हम लोग कितना लिए हैं स्टूडेंट, वन डिवीजन को फाइव रुपीज लिए हैं, तो वन डिवीजन इज इक्वल टू फाइव रुपीज, ये हम लोग स्केल जरूर लिखेंगे, क्योंकि ये स्केल देखने के साथ ही आदमी समझ जाता है कि हमने एक डिवीजन को कितना लिया है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। और अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं कि अब ये पॉइंट को प्लॉट करना शुरू करते हैं, एक्स इज इक्वल टू वन और वाई इज इक्वल टू टेन एट, तो यहां से हम लोग चले वन के, और एट कहाँ आएगा स्टूडेंट, तो ये फाइव हो गया, यानी वन स्मॉल डिवीजन कितना हो गया हाफ, इसमें टेन स्मॉल डिवीजन है, टेन स्मॉल डिवीजन होते हैं तो टेन स्मॉल डिवीजन को हम लोग फाइव दिए हैं, तो वन स्मॉल डिवीजन कितना हो जाएगा हाफ, और टू स्मॉल डिवीजन कितना हो जाएगा वन, तो टेन स्मॉल डिवीजन कितना हो जाएगा फाइव, तो यहाँ से हमारा इसमें टेन स्मॉल डिवीजन है, यानी दो स्मॉल डिवीजन मिलकर बन रहा है वन, तो यहाँ से फाइव हो गया और हमें एट लेना है, तो यहाँ से टू थ्री जा सिक्स, सिक्स स्मॉल डिवीजन को हम लोग ले लेंगे, यानी फाइव वाला जो स्मॉल डिवीजन है जो मिडिल है उससे एक ज्यादा, यानी सिक्स स्मॉल डिवीजन को लेंगे तो फाइव और थ्री ये एट हो गया, यहाँ पर एक्स का वैल्यू वन हो गया और वाई का वैल्यू एट हो गया, ये चीज के लिए। अब दूसरा हम लोग लेते हैं एक्स इज इक्वल टू टू वाई इज इक्वल टू थर्टीन, अब यहाँ से हम लोग चलते हैं टू और थर्टीन, थर्टीन कहाँ जाएगा स्टूडेंट, टेन है ये और उसके बाद थ्री चाहिए, तो थ्री थ्री का मतलब हो गया थ्री टू जा सिक्स, सिक्स स्मॉल डिवीजन, अगेन फाइव के ऊपर वाला लेंगे, ये हमारा पॉइंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, तो ये हो गया टू और थर्टीन। अब अगला कितना है स्टूडेंट, तो फाइव किलोमीटर, और फाइव किलोमीटर के लिए कितना है ट्वेंटी है, तो अब यहाँ से चलेंगे हम लोग फाइव किलोमीटर सीधा, और इधर से चलेंगे ट्वेंटी एट, तो ये है हमारा ट्वेंटी फाइव और फिर थ्री चाहिए हमें, तो थ्री चाहिए, थ्री टू जा सिक्स, यानी सिक्स स्मॉल डिवीजन ले लेंगे और इसको मिला देंगे, ये हो गया, ये हमारा हो गया कितना फाइव और ट्वेंटी एट। स्टूडेंट यहां से देखिए तो क्या ये तीनों लाइन एक स्ट्रेट लाइन में है, ऑब्वियसली ये तीनों के तीनों लाइन एक स्ट्रेट लाइन में है, तो यहां से ये तीनों को हम लोग मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यही लाइन जो है हमारा क्या हो गया, ये लाइन हमारा ग्राफ हो गया, ये हमारा लाइन ग्राफ हो गया, इसको स्टूडेंट ये लाइन है, रिमेंबर ये लाइन है,
तो ये तीनों लाइन को मिलाते हुए आगे आप जितना मर्जी उसको एक्सपेंड कीजिए, पीछे जितना मर्जी आप ले जाइए, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको। तो ये तीनों हमारा हो गया, ये किसका इक्वेशन हो गया, तो ये इक्वेशन जो हमारा था इसे जो इंफॉर्मेशन मिला था वो इक्वेशन यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि कौन सा इक्वेशन था, उसी का ये ग्राफ। अब स्टूडेंट कहता है कि अगर मान लो कि वो 4 किलोमीटर गया, तब उसको कितना देना पड़ता है स्टूडेंट, 4 किलोमीटर गया अकॉर्डिंग टू ग्राफ, नॉट अकॉर्डिंग टू गिवन लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन के थ्रू नहीं, थ्रू द ग्राफ, ग्राफ के थ्रू अगर बताया जाए कि वो 4 किलोमीटर जाता तो कितना उसको देना पड़ता। तो 4 किलोमीटर जाता तो अब देखते हैं कि हम लोग कितना देना पड़ता उसको, तो 4 किलोमीटर के लिए कितना होता, यहां से हम लोग चलते हैं इसलिए 4 किलोमीटर के पास सीधे लाइन ड्रॉ करें, ठीक। और 4 किलोमीटर पे जहां पर ये लाइन एक दूसरे को इस लाइन को टच किया वहां से हम लोग देखेंगे कि कितना पर जा रहा है, आई होप यहां जा रहा है। तो ये स्टूडेंट कितना हो गया, ये अब हम लोग गिन लेंगे, काउंट कर लेंगे, 20 के बाद हम देखेंगे कि 3 स्मॉल डिवीजन है, दैट मींस 23। तो अगर 4 किलोमीटर जाता है तो कितना उसको पे करना पड़ेगा, 23 रुपीज। तो क्या ये हमारा करेक्ट है या नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसने दिया था 8 रुपीज और बाकी बचा कितना, 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर के लिए वो कितना पे करेगा, तो 15, तो 15 और 8 कितना हो गया, 23 रुपीज। तो स्टूडेंट यहां पर हमें क्लियर पता चल गया इस ग्राफ के थ्रू कि अगर वो 4 किलोमीटर गया तो उसको कितना पे करना होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि ड्रॉ द ग्राफ एंड फाइंड थ्रू द ग्राफ इफ ही कवर 10 किलोमीटर डिस्टेंस, व्हाट इज द अमाउंट पेड, अगर वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस गया तो कितना अमाउंट पे करेगा, इससे हमें ग्राफ से बताना है। तो स्टूडेंट हमने बता दिया आपको कि अगर वो 4 किलोमीटर गया तो कितना पे करेगा, 23। कैसे, तो 4 के सीधे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, लाइन जो गया है जहां पर इस लाइन को टच कर रहा वहीं से परपेंडिकुलर हम इधर देखेंगे, जितना पर आएगा उतना रुपीज वो फेयर पे करेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। Here it is a question. Yamini and Fatima, two students of class 9 of a school, together contributed rupees 100 towards Prime Minister's relief fund to help the earthquake victims. Write a linear equation and draw the graph. इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन बनाना है और तब उसके बाद उससे ग्राफ के थ्रू उसको दिखाना, रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि हाउ कैन वी ड्रॉ ग्राफ, कैसे हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग दिए हुए इंफॉर्मेशन से, इस स्टेटमेंट से हम लोग क्या करते हैं, एक लीनियर इक्वेशन बनाते हैं जिसमें 2 वेरिएबल लेते हैं। तो यहाँ पर यामिनी और फातिमा 2 स्टूडेंट हैं, तो हम लोग लिखते हैं कि लेट यामिनी कंट्रीब्यूटेड रुपीज एक्स एंड फातिमा कंट्रीब्यूटेड रुपीज वाई। अगर हमने यामिनी ने
एक्स रुपीज कंट्रीब्यूट किया और फातिमा ने वाई रुपीज कंट्रीब्यूट किया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों मिलकर कितना जो है ना कंट्रीब्यूट किया है स्टूडेंट, दोनों मिलकर 100 रुपीज कंट्रीब्यूट किए, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। इट इज सो सिंपल, बहुत आसान सा इक्वेशन था ये, हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इक्वेशन बन गया। अब इसके थ्रू हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते थे कि किसी एक वेरिएबल को सेपरेट करते थे, चाहे एक्स को या वाई को। तो स्टूडेंट चाहे एक्स या वाई को किसी को भी आप सेपरेट कर लीजिए, तो यहाँ पर हम वाई को सेपरेट कर लेते हैं, तो वाई इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स। और स्टूडेंट उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ हम एक टेबल बना लेते हैं और टेबल में हमने बताया कि क्या करेंगे, टेबल में कम से कम एटलीस्ट 3 कोऑर्डिनेट जो है 3 पॉइंट्स निकालेंगे, एक्स के भी और वाई के भी, तो एक्स और वाई। तो क्या प्रोसेस है स्टूडेंट कि एक्स का वैल्यू हम लोग अपनी मर्जी से लेते हैं, एक्स का वैल्यू जब वाई को सेपरेट किए हैं तो एक्स का वैल्यू अपनी मर्जी से लेते हैं और उसके थ्रू हम लोग देखते हैं कि वाई का वैल्यू क्या होता है। मैंने एक्स का वैल्यू इट्स ओन चॉइस एज यू विश, हमारा मन कर रहा है कि जो है ना ये 20 रुपीज कंट्रीब्यूट की यामिनी ने, तो बताओ कि फातिमा ये तो ऐसे क्लियर पता चल रहा है कि इसने 20 किया तो ये कितना 80 करेगी। गो थ्रू द इक्वेशन, यहाँ से भी आप देख सकते हैं वाई इज इक्वल टू 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80। अगर ये 40 जमा कंट्रीब्यूट की तो अब ये फातिमा कितना कंट्रीब्यूट करेगी, तो 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60। और ऐसे भी स्टूडेंट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों का सम हमेशा 100 होना चाहिए क्योंकि दोनों ने मिलकर 100 रुपीज कंट्रीब्यूट किया। मान लो कि यहाँ पर अब ये फातिमा जो है यामिनी का है, यामिनी ने 50 रुपीज कंट्रीब्यूट किया तो फातिमा भी 50 रुपीज कंट्रीब्यूट किया, दोनों जो है ना 100 में से 50 गया 50, ये टेबल बिल्कुल आसानी से क्रिएट हो गया। अब ये टेबल के जब क्रिएट हो गया तो अब इसके थ्रू हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसके थ्रू अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग फिर वॉच करते हैं कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दोनों क्वाड्रेंट एक्स क्वाड्रेंट और वाई क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव है, तो वेयर इट इज लाई, इट इज लाई ऑल्सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इधर लेफ्ट से 1 या 2 या 3 स्क्वायर छोड़कर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर नीचे से 1, 2 या 3 लाइन छोड़कर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये दोनों लाइन जहां पर एक दूसरे से मीट किया वहां पर स्टूडेंट हम लिख देंगे 0 यानी ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है 0 0, और वो लिख देते हैं ओरिजिन और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0। रिमेंबर हमेशा याद रखना कि ये ओरिजिन है और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है 0 0। अब यहाँ पर ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो इधर हम लोग क्लियर है कि एक्स का वैल्यू ले लेते हैं, एक्स का वैल्यू का मतलब किसका, यामिनी का, और इधर हम लोग ले लेते हैं किसका, वाई का वैल्यू, यानी वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये वाई का जो वैल्यू हम लोग लेंगे ये हो जाएगा हमारा फातिमा का, वाई का वैल्यू इधर से ले लेते हैं, इधर से एक्स का वैल्यू ले लिए हम लोग, और ये एक्सिस का भी नाम हम लोग दे रहे हैं स्टूडेंट यहाँ वाई, और ये वाई डॉट, ये एक्स और एक्स डॉट। अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि स्केल क्या चूज करें, जो हमारा टेबल है अकॉर्डिंग टू टेबल हमें कन्वीनियंट जो है स्केल चूज करना है। तो कन्वीनियंट क्या होगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट 80 गया है वाई में और एक्स में हाईएस्ट 50 गया है, तो अगर 10-10 का स्केल लेते हैं तो इट इज 8 स्केल, अगर 8 लाइन लेते हैं तो हमारा 80 हो जाएगा, 8 डिवीजन लेते हैं 8 स्क्वायर, तो इधर से अगर हम लोग 5 लेते हैं तो 50 हो जाएगा, तो हम लोग 1 डिवीजन को यानी 1 सेंटीमीटर को 10 यूनिट यानी 10 रुपीज मान लेते हैं, तो स्केल यहाँ लिख देंगे हम लोग स्केल में क्या लिखेंगे, ऑन, यहाँ पर ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, केवल लिखेंगे कि 1 डिवीजन
इज इक्वल टू रुपीज 10, दोनों ही रुपीज में है, ये x रुपीज है और ये y रुपीज है, दोनों रुपीज में है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि दोनों का स्केल, केवल हम इतना लिख देते हैं कि 1 डिवीजन इज इक्वल टू रुपीज 10, हो गया, इट इज एनफ, क्योंकि दोनों हमारे x और y दोनों पर एक ही हमने स्केल लिया। तो अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, अब क्या करते हैं, तो यहाँ पर आपका एक डिवीजन हमारा 10 हो गया, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40, पांचवा 50, छठा 60, जितना मर्जी स्टूडेंट ले लीजिए, लेकिन कम से कम आपको कितना लेना है एक्स पर 50 तक, तो 50 तक ले लीजिए। वाई पर अब हम चलते हैं इधर, वाई पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, कम से कम स्टूडेंट हम लोग 80 तक जाएंगे, क्योंकि y में हमारा कितना है 80 है, तो 80 तक जाएंगे, उसके बाद आगे भी आप जा सकते हैं, 90 भी आप जा सकते हैं, 100 भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ से वही काम करेंगे कि अगर x है तो 20, यहाँ से यानी ये हमारा x 20 है और y कितना है 80, तो पहला पॉइंट स्टूडेंट हमारा यहाँ मिला, ये हो गया x 20 आपका और y 80, दूसरा कितना है x 40 और y 60, x 40, 40 कहाँ है, यहाँ है, x हमारा हो गया 40 और y कितना है 60, यहाँ पर आया, ये क्या हो गया x जो है 40 और y 60 हो गया। नेक्स्ट है x 50 और y भी 50, यहाँ है x भी 50 और y भी 50, दोनों कोऑर्डिनेट हमारा 50। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट देखोगे कि ये तीनों पॉइंट एक स्केल में आएंगे, यानी तीनों पॉइंट से होकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। तो अब ये तीनों पॉइंट को स्केल में लेना है, और स्केल में लेने के बाद रूलर से मिलाते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ कर देना है। ये स्टूडेंट लाइन है, ये रिमेंबर, ये लाइन है, ये जरूरी नहीं कि ये तीनों पॉइंट को ही केवल मैच कराएं, नहीं, इसको तीनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें आगे की तरफ और पीछे की तरफ भी उसको बढ़ा देना है, और ये तब उसके बाद चूंकि ये लाइन है तो दोनों साइड में एरो बना देना, क्योंकि ये लाइन है, तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है किसका, कंट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट इन अ प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड बाय द टू स्टूडेंट नेम यामिनी एंड फातिमा, यामिनी और फातिमा ने जो कंट्रीब्यूशन किया उसका ये ग्राफ हो गया। तो इट इज क्लियर, इट इज सो सिंपल, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज अनदर क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x plus y is equal to 6 and 2x minus y plus 2 is equal to 0, set the region bounded by these lines and x axis, find the area of the shaded region। स्टूडेंट यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब हम लोग यहाँ पर टू इक्वेशन लिए हैं, चूंकि स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन है तो हम लोग दो इक्वेशन से भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, जनरली हम लोगों को वन ही इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बुक में है, लेकिन हम लोग दो इक्वेशन से भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे ये हम लोग देख रहे हैं कि एक ही ग्राफ पेपर पर दो इक्वेशन को हाउ कैन वी ड्रॉ द ग्राफ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर ये दो इक्वेशन है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये दो इक्वेशन है, तो यहाँ पर जो है ना हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से पहला इक्वेशन लेते हैं और अलग अलग टेबल बनाएंगे, क्या करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 6, और यहाँ हम लोग क्या करेंगे एक वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x हो गया, और
इसके थ्रू हम लोग अब क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। और टेबल में हम लोग स्टूडेंट तीन पॉइंट लेंगे एटलीस्ट, यहां x और ये y, या आप y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x भी लिख सकते हैं, या ओनली y लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। दूसरा इक्वेशन क्या था स्टूडेंट हमारा, यहां था 2x माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट अगर y को केवल हम उधर ले जाते हैं तो y हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और सेपरेट भी हो जाएगा, तो y उधर ले गए तो हमारा y हो गया और इधर क्या बच गया हमारा 2x प्लस 2, ये हमारा हो गया। अब इसके थ्रू हम टेबल क्रिएट करेंगे, तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे एटलीस्ट 3 पॉइंट लेंगे और इसमें लिखेंगे x और यहां क्या लिखेंगे y, और चाहे तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट यहां पर जो है इसमें हम x का वैल्यू अपनी मर्जी से लेंगे, टेबल जब बनाते हैं तो x का वैल्यू अपनी मर्जी से लेते हैं, तो हम यहां पर x का वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 6 माइनस 2 इंटू 0, 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6, यहां पर y का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब चलते हैं x का वैल्यू ले लेते हैं 2, तब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 6 माइनस 2 इंटू 2 4, 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, तो अगर x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू भी 2। अब इस बार हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, x का वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो यहां पर x इज इक्वल टू कितना लिए 3, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ 6 माइनस 2 इंटू 3, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू अगर हम लोग 3 लिए तो y का वैल्यू क्या हो गया 0। तो ये चीज है टेबल, यहाँ हमारा टेबल बन गया, और ये टेबल बन गया तो इसको प्लॉट करना है आपके, तो अब उसको भी टेबल हम लोग क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशन को एक ही ग्राफ पर प्लॉट करना है, और प्लॉट करने के बाद तब एक्स एक्सिस और ये दोनों लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के साथ जो रीजन है उसको सेलेक्ट करना है और उसका एरिया निकालना है। तो अब चलते हैं यहाँ दूसरा में देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर एक्स का वैल्यू अब क्या चूज करते हैं, 0 ले लेते हैं स्टूडेंट, पहले हम लोग 0 ही ले लेते हैं, एक्स का वैल्यू 0 ले लिए तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 2, यानी 0 प्लस 2 2 का 2 हो गया, अगर x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 2, अब x का वैल्यू 1 ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो 2 1 या 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। स्टूडेंट माइनस में भी आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, x का वैल्यू माइनस 1 ले लेते हैं, तब क्या आ जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ से y का वैल्यू देख लीजिए कितना हो जाएगा माइनस 1 रखने से, 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2, और 2 में 1 से तो कितना आ जाएगा माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0, माइनस 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ये हमारा 3 पॉइंट निकल गया स्टूडेंट, ये हमारा 3 पॉइंट लिखा, ये आप चाहे तो ग्राफ पेपर पर शो भी कर सकते हैं उसके बैक साइड में और टेबल को, या फिर अपने मर्जी से भी जो है ना इसका वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन यहाँ तक स्टूडेंट हमें ये दोनों टेबल आपको बनाकर दिखाना होगा, शो करना होगा, और इसी टेबल के थ्रू अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ हम लोग देखते हैं कि दोनों इक्वेशन को एक ही ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है, तो हम देखते हैं कि एक्स का वैल्यू कितना है, 3 पॉजिटिव है और माइनस 1 निगेटिव है, यानी हमें राइट साइड में कम से कम 3 स्क्वायर चाहिए और लेफ्ट साइड में 1 स्क्वायर, यानी ऐसा हम लोग करेंगे कि y जो वर्टिकल लाइन जो हम लोग ड्रॉ करेंगे इधर से एटलीस्ट 3 और इधर से एटलीस्ट 1, तो यहाँ से इधर से हम 3 छोड़ देते हैं और बाकी उसके बाद ड्रॉ कर देते हैं, 3 स्क्वायर छोड़ के हमने ड्रॉ कर दिया, यहाँ से हमारा था तो इधर से 3 स्क्वायर छोड़कर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हॉरिजॉन्टल लाइन में स्टूडेंट कितना देख रहे हैं, वाई हमारा 6 गया है और मैक्सिमम 6 गया है, तो y में हमारा 6 जाना चाहिए, तो नीचे से हम लोग एक ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों, हाँ स्टूडेंट ये भी ध्यान रखना है कि x में हमारा नेगेटिव भी गया है, इसलिए ये हमारा फर्स्ट और सेकंड
दोनों क्वाड्रेंट को जो है ये लाई करेगा, इसलिए हम लोग को इधर भी जो है ना प्लॉट करना है। और यहाँ से अब हम लोग ये हम ले लेते हैं, और स्केल क्या चूज करेंगे स्टूडेंट, वो दोनों के लिए वन जो है ना अगर हम लोग ले लेते हैं तो इट इज बेटर। तो ये स्केल यहाँ पर होगा, क्या हम लोग ले लेंगे, वन डिवीजन इज इक्वल टू कितना, तो वन यूनिट। यहाँ स्टूडेंट ये कोई चीज नहीं दिया हुआ, तो वन डिवीजन इज इक्वल टू वन यूनिट हम लोग ले लेते हैं। और यहाँ पर अब हम लोग ये स्क्वायर ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, केवल हम लोग लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5 जितना मर्जी स्टूडेंट लिख लो, इधर भी चाहिए हमें कितना -1, -2 जितना मर्जी, इधर भी चाहिए हमें y का वैल्यू चाहिए कितना, पहला 1, 2, 3, 4, 5, 6 और जितना मर्जी आप लग सकते हैं। तो अब चलते हैं इस पर, हम लोग देखते हैं कि अब पहला पॉइंट कहाँ जा रहा है, तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 6, पहला पॉइंट हमारा स्टूडेंट यहाँ आया, एक्सिस पॉइंट है, ये एक्सिस पॉइंट है, x हमारा 0 है तो y जो वैल्यू दिया हुआ है तो y पर ही हमारा केवल जाएगा, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 6। अब दूसरा x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर x 2 जाएंगे और y में भी 2 जाएंगे, यहाँ पर हमारा दोनों एक दूसरे से मीट किया तो ये पॉइंट जो होगा हमारा वो क्या हो गया 2, 2। अब अगला क्या है स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0, तो ये भी एक्सिस पॉइंट है, किस पे है, x पर है, तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 0। ये तीनों पॉइंट क्या स्टूडेंट हमारे स्केल में है, बिल्कुल स्केल में होंगे स्टूडेंट, आप इसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ हम लोग फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहे हैं इसलिए हम लोगों का ये थोड़ा सा इधर से उधर हो सकता है, लेकिन आप जब ड्रॉ करेंगे तो वो आप स्केल के थ्रू ड्रॉ करेंगे, इसलिए बिल्कुल आपका जो है वो पॉइंट पर जाकर तीनों पॉइंट से होकर एक स्ट्रेट लाइन पास करेगा। तो यहाँ जो है हम लोग इसको इस लाइन को ले लिए, और स्टूडेंट ये कौन सा लाइन था, कौन सा इक्वेशन था, तो ये इक्वेशन था हमारा 2x + y = 6, उस इक्वेशन का ये हमारा ग्राफ जो है यानी स्ट्रेट लाइन है। अब स्टूडेंट दूसरा चलते हैं इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का प्लॉट करते हैं, x कितना 0, y कितना 2, x कहाँ 0 और y कितना 2, ये एक्सिस पॉइंट है स्टूडेंट, x हमारा 0 और y 2 यानी ये यहाँ लाई करेगा स्टूडेंट एक्सिस पे 2 पे 2 और 0। अगला क्या है स्टूडेंट, यहाँ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4 यहाँ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है कहाँ जो है जा रहा है, तो ये यहाँ हमारा गया, इसका भी कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, ये अप्रोक्स लगभग इस लाइन पर ही जो है ना लगभग चला गया, यानी x हमारा कितना हो गया, यहाँ पर x हमारा है 1 और y जो है कितना है 4, 1 और 4, तो स्टूडेंट देख लो अगर इसमें भी अगर हम लोग लेते हैं तो ये हमें पता चल रहा है, अगर ग्राफ पेपर पे आप ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे कि ये जो लाइन है इस लाइन पर ही ये पॉइंट आएगा, क्यों आएगा, इसलिए कि अगर मान लो कि x का वैल्यू आप 1 इसमें ले लेते हो, x का वैल्यू 1 ले लेते हो तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो 6 हो गया, 2 1 या 2 तो कितना हो जाएगा 4, ये हमारा x का 1 लेते हैं तो y का वैल्यू 4, तो 1 4 तो ही तो है हमारा पॉइंट, हमारा ये पॉइंट 1 4 तो ही है, तो 1 4 जो है इस पॉइंट पर आ रहा है क्योंकि ये इसका भी क्या है कोऑर्डिनेट है, इसलिए ये जो पॉइंट होगा जो दूसरे वाले के लिए 1 4 ये पहला और दूसरा दोनों के लिए कॉमन है, और जब कॉमन है तो वो कहाँ पर लाई करेगा, उसी स्ट्रेट लाइन पर। अब चले आइए तीसरा पॉइंट, x इज इक्वल टू -1, 0, ये भी हमारा एक्सिस पॉइंट है, तो x इज इक्वल टू कितना -1 और y इज इक्वल टू कितना 0, तो ये यहाँ हो गया, ये -1 और 0 हो गया, तो ये हमारा 3 हो गया, और तीनों को स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं इसको मिला देते हैं,
तीनों को, ये हमारा लाइन बन गया। और ये किसका इक्वेशन हो गया, तो ये हो गया हमारा 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, उसका ये इक्वेशन हो गया। तो ये इक्वेशन बन गया स्टूडेंट। अब इस इक्वेशन में हमें क्या कह रहा था, इस इक्वेशन में कह रहा था कि इन दोनों लाइन, हियर द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस, दीज लाइन मतलब ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस से बाउंडेड रीजन को हमें सेट करना है। तो स्टूडेंट ये जो रीजन है और एक्स एक्सिस से जो बाउंडेड है वो रीजन हमारा ये है, एक्स एक्सिस यानी एक्स, ये हमारा ये एक्स एक्सिस है और ये दोनों लाइन है, इस दोनों लाइन और एक्स एक्सिस से बाउंडेड रीजन जो है ये हमारा है, इसको हम लोग क्या करेंगे सेट कर देंगे। वहाँ आप पेंसिल से वहाँ पर डॉट डॉट देकर या जैसे मर्जी आपको पूरा कलर कर दीजिए या डॉट डॉट दे के यानी सेट कर देना। जैसे ये हमारा सेट हो गया। सेट होने के बाद अब क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन। अब इसका एरिया भी निकालना है स्टूडेंट, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ये ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ हो गया यहां पर और बेस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये हमारा बेस हो गया, ये बेस हो गया, कितना हो गया, यहां से हम काउंट करना शुरू करते हैं 1 2 3 4, तो हमारा बेस कितना हो गया 4 सेंटीमीटर और या 4 यूनिट, और उसके बाद फिर क्या हो गया हाइट, तो हाइट मतलब ये हो गया स्टूडेंट, यहां से ये जो परपेंडिकुलर है तो ये कितना हो गया हाइट, यहां से लेकर यहां तक यानी 4 1 था, 1 और 4 था तो हाइट हमारा 4 हो गया, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया 4 हो गया, तो ये भी हमारा 4 और ये स्क्वायर यूनिट। अब यहाँ पर 2 2 4 हो गया तो 4 2 8 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा एरिया हो गया स्टूडेंट। तो इस तरह से हम लोग दो इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो उसका भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं एक ही पेपर पर यानी एक ही ग्राफ पर दोनों इक्वेशन का। तो स्टूडेंट आज हम लोग जो पढ़े और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सीखे, तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा और आपने ग्राफ ड्रॉ करना सीख लिया है। तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और अपडेट लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। ओके स्टूडेंट, दिस वाज एनफ फॉर टुडे, आई विल बी back with something new and interesting for you in another video. If you have enjoyed the video, then like the video, share the video, subscribe if you are new to our channel, follow us on our Instagram account @OxwellTutorial. Push that bell icon so that you can never miss any update. Till then, student, stay safe, stay blessed. Bye bye. Take care.